डायरेक्टर एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसमें हमें जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं। आरआरआर फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मल्टीपल लैंग्वेज में। दिस इज द फ्यूचर। इसी के साथ विद्युत जम्वाल ने अपने आने वाली इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म सनक का जबरदस्त पोस्टर रिलीज कर दिया है। पोस्टर में हमें स्ट्रेचर पर खून के धब्बों के साथ बंदूक दिखाई दे रही है। कनिष्क वर्मा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में विद्युत जम्वाल का एकदम अलग अवतार देखने को मिलने वाला है। फिल्म में विद्युत जम्वाल के साथ पहली बार बंगाली एक्ट्रेस रुक्मिणी मैत्रा नजर आएंगी। रुक्मिणी इसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। अगली खबर, हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का हिंदी ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म 26 मार्च 2021 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली है। अगली खबर, महेश बाबू और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म सरकारू वारा पाटा की शूटिंग दुबई में स्टार्ट हो गई है। इस फिल्म को साल 2021 में दशहरा के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग है। और ऐसे ही साई धर्म तेज की अगली फिल्म का टाइटल और मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसका टाइटल रिपब्लिक रखा गया है। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें सोशल मैसेज भी होगी। साई धर्म तेज के अलावा इस फिल्म में ऐश्वर्या राजेश फीमेल लीड में होंगी। ये फिल्म समर 2021 में रिलीज होगी। इसी के साथ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म अगले साल रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। और ऐसे ही साल 2019 में आई फिल्म पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है कल यानी 26 जनवरी 2021 को मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ और भी कई स्टेट्स में। आप वीडियो पॉज करके बाकी के स्टेट्स देख सकते हैं। इसी के साथ काजल अग्रवाल डिजिटल डेब्यू करने जा रही है हॉरर वेब सीरीज से जिसका टाइटल लाइव टेलीकास्ट रखा गया है। ये वेब सीरीज 12 फरवरी 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज होने वाली है। तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषा में। आप इस लिस्ट में से कौन सी फिल्म या वेब सीरीज का वेट कर रहे हैं और आपको इस लिस्ट में से कौन सी फिल्मी टॉक अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।